एक मिनट। कैमरा वाले भैया से मिलने के बाद अपुन का भी स्वैग बढ़ चुका है, अपुन भी बहुत बड़ा आदमी हो चुका है, तो ब्लॉग ऐसे कैसे कर सकता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आपने कैमरा वाले भैया के मिलने के बाद शिवा तिवारी भैया का भी आज जौनपुर में, सॉरी आज बनारस में मीटअप था, तो मैं उनसे मिलने नहीं जा पाया क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं करता। जिन मेरे दोस्त हैं उनको पता है कि मैं उतना बाहर नहीं जाता, लोग अपने मन से या किसी कारण की वजह से मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाता। बट कोई बात नहीं, अब तो भाई मैं तो साहब बन तो आज के ब्लॉग में बात करने वाले हैं विचर के सेकंड सीजन की, जिसकी स्टार्टिंग का पहला एपिसोड मैंने देख लिया और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को एपिसोड, क्योंकि वो धीरे 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 बिल्ड कर रहा है। पर ब्यूटी में तो बीस्ट वाली फीलिंग आ रही थी अपन को, एंड पहला एपिसोड ही अभी तक देखा है, दूसरा एपिसोड नहीं देखा है। एंड मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं पर मैं उन सब के बारे में बात नहीं करना चाहता। एंड अभी 420 IPC धारा वाली देखनी है मूवी मेरे को, उसको देख लूँगा तो फिर आप लोग को मिलूँगा। एंड इसको निकाल देता हूँ, एंड अपना यही सही है। तो थोड़े काम, घर के कामों की वजह से थोड़ा बिजी था मैं, इसलिए आज ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया। एंड व्लॉग करने का आजकल मेरा मन नहीं कर रहा है। कल मेरे दिन जिंदगी का बहुत ही अच्छा काम हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को एक बहुत ही प्यारे तरीके से बनाते हैं। बट आज का ब्लॉग में मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को क्या कहूँ। वही है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। चलते करते मैं बोर हो चुका हूँ, एंड 365 डेज चैलेंज कम्प्लीट करना था, इसलिए मैं ये सारी वीडियोज आजकल बना रहा हूँ। एंड इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें मेरे पास फोटोज़ इतनी सारी हैं कि मैं एक साल तक बिना कुछ क्लिक किए फोटोज़ को अपलोड कर सकता हूँ, बट मैं उनको एडिट नहीं कर रहा हूँ। एंड प्रोडक्टिविटी पूरी जा चुकी है मेरी, पर कैमरा भी अब मिलने के बाद मेरा बूस्ट हो गया हूँ, मैं बूस्ट हो गया हूँ एकदम। बट ठीक है, जल्दी पूरा करेंगे एंड अपलोड करेंगे। तो ब्लॉग कहीं करते हैं, ब्लॉग अच्छा लाइक करिए, चाय बनाए, चाय सप्ताह को मिलता है ब्लॉग में यानी कल। एंड अभी मैं कैमरा भी अब मिलने के बाद बहुत बड़ा आदमी हो गया।